सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। क्या ये वही जगह है जो आपके ख्वाबों में आती थी? बिल्कुल। इस लिफाफे में तुम्हारे भाई के कातिल का पता मौजूद है। अब्दुल हमीद ने वैम्बरी को महल में रखा और आपको सिफारत खाने भेजा। अगर आपने सफीरों को मंसूबा बता दिया होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। हम ये टेलीफोन रूसी और बरतानवी सिफारत खानों में बतौर तोहफा भेजेंगे। इनमें इस तरह तब्दीली करनी है कि बंद होने के बाद भी हम बातें सुन सकें। शुरू कीजिए। आप कहाँ गई थी? हादसे की जगह पर। हमें यकीन नहीं हो रहा। हम सफीरों को बताएंगे। अगर अब्दुल हमीद रिवाल में होने वाली मुलाकात को उन मालूमात के जरिए रोकने में कामयाब हो गया जो हम छुपा रहे हैं, तो हम अगला दिन नहीं देख पाएंगे फौत। आपसे अच्छे ताल्लुकात कायम रखने के लिए हमने आपको टेलीफोन के इस्तेमाल की इजाजत दी है। इजाजत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान मौसम। उन्होंने एक जासूस तलाश करने का कहा है जो उनकी बहन की मौत की तहकीकात करे। उन्हें लगता है कि हमदान खातून ने उनकी बहन का कत्ल किया है। यानी अब्दुल हमीद की दोनों बहुएं दुश्मन हैं एक दूसरे की। ये तो वाकई बहुत अहम खबर है। शाबाश। वापस लौट आइए, लौट आइए। आपकी मिसले मलक नहीं रही, वो मर गई। मेरा सर कलम हो जाएगा। मैं आपको बचाऊंगी फौत, मगर रूसी और बरतानवियों की उस्मानी सल्तनत के टुकड़े करने के लिए रिवाल में मुलाकात बहुत जरूरी है। हमें उन्हें बताना ही होगा। आहा, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। सबाहतीन, आपके बाबा कहाँ हैं? खाने के लिए कभी देर से नहीं आते, कुछ बताया भी नहीं। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? पुरसुकून हो जाएं, आ जाएंगे बाबा। सबाहतीन, आपके बाबा आजकल अजीब हरकतें कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। मतलब क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वो दूसरी शादी के बारे में वाकई संजीदा है? नहीं वालिदा, कैसा हो सकता है, जानती तो है बाबा मजाक करते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता, आजकल तो वो हर वक्त सिर्फ यही बात करते रहते हैं। बेटा, हमें लगता है उनका पीछा करना चाहिए आपको। जरा मालूम तो हो कि कर क्या रहे हैं। वालिदा, यकीन कीजिए बाबा ऐसा कुछ नहीं करेंगे और मामू भी इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। महमूद है वो, अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो सुल्तान मौजम को भी किसी भी तरह आमादा कर लेंगे। सबाहतीन, बात सुनिए, आपको अपने बाबा पर नजर रखनी होगी, ठीक है? ठीक है वालिदा, ठीक है। हमने तुलबा को जल्द अज जल्द दाखिला देने का कहा है, इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में हमारी दर्सगाह तैयार हो जाएगी। आफरीन। किस फिक्र में है आप, बताइए हमें मलिका। सुल्तान मौसम, हमें लगता है कि आपने हरम की निगरानी के बारे में फैसला कर लिया है,
कर लिया है मलिका। तो क्या आप हमें निगरानी की इजाजत दे रहे हैं? बिल्कुल दे देंगे जब आप सेहतयाब हो जाएंगी, लेकिन अभी नहीं। मेरे सुल्तान, लेकिन हम तो ठीक हैं। आज भी इदारे के तमाम काम हमने खुद खड़े होकर अपनी निगरानी में करवाए हैं। यकीन कीजिए कि हरम की निगरानी में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। इदारे के अलावा और कहां गई थी आप? आप एक ख्वाब के पीछे भाग रही हैं मलिका। हम आपको ये बात बताने ही वाले थे, लेकिन हम वहां सिर्फ इसलिए गए थे कि कुछ तसल्ली हो जाए। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि जो कुछ आपने देखा ख्वाब है या सच्चाई, तो इसके लिए पहले जागना जरूरी है। सनेहा सुल्तान ने बताई है आपको ये बात? उन पर गुस्सा मत हो, उन्हें आपकी फिक्र है। उन्हें सिर्फ हरम की निगरानी की जिम्मेदारी खोने की फिक्र है, यकीन कीजिए हमारा। मुश्क अंबर, हमारी महबूबा, हमारे दिल का करार, आप परेशान मत हुआ करें, आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। सुल्ताने मौसम, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। अब हम जान गए हैं कि हमने जो कुछ देखा वो एक ख्वाब था, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। आप सोते हुए भी खूबसूरत लगती हैं मलिका, लेकिन हमें आपका यूं सामने बैठकर देखना पसंद है। आ जाइए। नायमे, सोने की तैयारी है? मैं आपके लिए कुछ किताबें लेकर आई हूं, मुझे लगता है आपको उनमें दिलचस्पी जरूर होगी। तशरीफ रखिए। हमारे पास कुछ नहीं था तो हम सोने की तैयारी करने लगे। हमें खुशी है कि आप आ गई। वो मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जिंदगी से बेजार होना बहुत बड़ा गुनाह है। हमें जो नेमतें मयस्सर हैं उनके साथ हम बेजार महसूस नहीं करते। ये मतलब नहीं होगा मुसन्निफ का। वैसे भी इस बेजारी का इल्जाम कोई आपको नहीं दे सकता। आपकी मिसाल सोने के पिंजरे में कैद परिंदे जैसी है। बहुत अच्छी है ये किताब, आपको पढ़नी चाहिए। ये नाम तो नहीं सुना। बिल्कुल नहीं सुना होगा, ये नए मुसन्निफ है। आप यहाँ वही पढ़ती हैं जो लाकर दिया जाता है आपको। हम जो किताबें पढ़ते हैं वो भी बेहद कीमती होती हैं। यकीनन, क्योंकि वो किताबें सदियों पुरानी हैं, इसलिए। मैंने आपको देखा है, आप हुदूद में रहते हुए पुराने तौर तरीकों से जिंदगी गुजार रही हैं, जबकि बाहर की दुनिया यहाँ से मुख्तलिफ हो चुकी है बिल्कुल। बाबा नए इजादात और नजरियात के शौकीन है, तो उन्हीं से हमें अक्सर इस बारे में पता चलता रहता है। लेकिन आपको सिर्फ वही बातें बताई जाती हैं जो आपके बाबा आपको बताना चाहते हैं, ठहरे हुए बंद पानी की तरह। लेकिन जब नया पानी इसमें दाखिल नहीं होता तो वो आलूदा हो जाता है। नाइमे दुख्तर, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? काफी देर हो चुकी है। बातें करते करते हमें वक्त का पता ही नहीं चला। अब मुझे चलना चाहिए। हम ये किताब जरूर पढ़ेंगे। शब बखैर। शब बखैर। अपना वक्त जाया मत कीजिए आप। उन किताबों से पहले कई अहम किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। नाइमे, हमारे पास इन सब को पढ़ने का वक्त है। वैसे भी और है क्या हमारे पास? हमारी प्यारी दुख्तर, लगता है कि शिवनास के नजरियात का आप पर असर हो चुका है। उन्होंने सच कहा है, ये जगह एक कैद की तरह है। नाइमे, हमने आपकी बात सुन ली, लेकिन हम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते और ना ही शिवनास से दोस्ती की इजाजत देंगे आपको। बेहतर होगा कि आप इस मामले में मोहतात रहिए।
खुश आमदीद। शुक्रिया मेरे सुल्तान। मैं आपको भूल ही गया। हम हमेशा मोहतात रहते हैं खलील खालिद अफंदी। जब मुझे ये काम सौंपा गया है तो फिर मैंने सोचा पहले अपने महल को ही महफूज बनाया जाए। 16 आदमी, पहले दो तो इंतहाई ना तजर्बेकार थे। बाग में मौजूद मुहाफिजों की तैनाती गलत है, उनकी जगह फौरन बदलनी होगी। राहदारी में एक सिपाही सो रहा था मेरे सुल्तान, और दूसरा अपनी जगह पर नहीं था। सिर्फ आप जाग रहे थे मेरे सुल्तान। हमें आपकी महारत को भी शुमार करना चाहिए। बदकिस्मती से महल की हिफाजत में अब भी कमी है। कुछ लोग और भी हैं जो मुझ जैसी महारत रखते हैं। इन खामियों के बारे में एक तहकीकी दस्तावेज तैयार करें। अगर जरूरत हुई तो सिपाहियों की तरबियत की जाएगी। जी मेरे सुल्तान। आप इस पहर यहां आ ही गए हैं तो चलिए कुछ लम्हे मिलकर इबादत करते हैं। इसे पढ़ो। महल की खास खबर, शहजादा अब्दुल कादिर की जोजा मिसली मैली खातून ने अपनी बहन के कातिल को पकड़ने के लिए जासूस रखा है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बहन को शहजादा महमद सलीम की जोजा हमदान खातून ने कत्ल किया है। क्या यह अखबार तकसीम हो गया? अखबार अभी तकसीम होना शुरू हुए। चलो इन्हें फौरन रोकते हैं। चलो। तुम बहुत ही अजीम इंसान हो महमूद पाशा, तुमने खुद को क्या खिताब दिया है। वाह, वैम्बरिया फंदी पाशा, लगता है आप यहां बाग में हरियाली और मौसम से लुत्फंदोज हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कितना खूबसूरत बाग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपका मिजाज खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आपको ये बताना ही होगा। आप जानते हैं मैंने कुछ पढ़ा है, लेकिन पता नहीं ये बात सच है भी या नहीं। कौन सी बात? हमारे सुल्तान ने एक इंतहाई बाएतमाद शख्स को एक बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन ये काबिल एतमाद शख्स अपने काम में नाकाम हो गया। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं वो शख्स कौन है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको कैसे बता सकता हूं? मुझे बताइए पाशा, बताइए। ठीक है वैम्बरिया फंदी, सब सोच रहे हैं कि वो शख्स आप हैं। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। पाशा, अगर आप ये बातें फिर से किसी के मुंह से सुने तो आप उनसे कहिएगा कि वैम्बरिया फंदी अपना काम कामयाबी से पूरा करता है, और इतनी राजदारी से करता है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि आगे होगा क्या। और आप भी जो नजर आ रहा है वो मत देखिए, हकीकत देखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वल्लाही बिल्लाही आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। माशाल्लाह, आपके पास हर बात का जवाब होता है। माशाल्लाह, आपकी जरा नवाजी है, बहुत शुक्रिया। पाशा, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अपना फरीजा अच्छी तरह अंजाम देंगे। क्या आपको भी कोई फरीजा दिया गया है? हाँ बिल्कुल, हालिया दिनों में मुझे एक अहम फरीजा सौंपा गया है। एक जहाज जल्द ही हमारी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाला है। इसमें एक ऐसा मेहमान आ रहा है जिसका इश्तियाक के साथ बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। हैरानी की बात है, बहुत हैरानी की बात है।
वैसे ये मेहमान है कौन? टॉप सीक्रेट वेम्बरिया फंदी, टॉप सीक्रेट। अल्लाह की अमान में रहिए। खुदा हाफिज पाशा। सुबह बखैर शहजादे। सुबह बखैर। बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। जरूर, इंतजार नहीं करवाना चाहिए। हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि हरम की सही तरह सफाई नहीं हो रही है। आप जानती हैं कि मेहमान आए हुए हैं, तो हमें बताएंगी कि सुस्ती की वजह क्या है जुल्फत काल्फा? सुल्ताना, कुछ खादमाए बीमार हैं। हमारे पास खादमीन की कमी है, लेकिन फिक्र ना करें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर खादमाए काफी नहीं है तो फिर जैनब को भी अपने साथ काम में लगा लीजिए। इस तरह वो भी महल के रस्म रिवाज से वाकिफ हो जाएंगे, ठीक है ना? जैनब पहले से ही अपने काम में बहुत मसरूफ है, उन्हें मजीद काम देकर बोझ न डालिए। आप जा सकती हैं जुल्फत। हम देख रहे हैं कि कुछ ही अरसे में आप जैनब के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी हैं। जी बिल्कुल, काबिले एतमाद शख्स ढूंढना मुश्किल है। जब कोई ऐसा शख्स मिले तो उसकी कदर करनी चाहिए। आपने सुल्ताने मौजम को बताया कि हम हादसे वाली जगह गए थे, इसके बावजूद कि हमने आपसे कहा था कि हम उन्हें खुद बताएंगे। उस खौफनाक हादसे के बाद से आप ठीक नहीं है बिदार खातून। हमने सुल्ताने मौजम को इसलिए बताया क्योंकि हर बात उनके इल्म में होनी चाहिए। आपकी सेहत का ख्याल है हमें। फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। हम इतने ठीक हैं कि आज जब सुल्ताने मौजम ने हमें खुद देखा है तो वो जल्द ही हरम की जिम्मेदारी हमारे हवाले कर देंगे और इंशाल्लाह आपको भी आराम मिल जाएगा। इंशाल्लाह। बिदार खातून। हालांकि मुझे मेहमत सलीम से बातें करना अच्छा लगा, लेकिन लगता है कि इन्हें बहुत काम है, हमें इनका मजीद वक्त नहीं लेना चाहिए। मेरे सुल्तान, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी नजरबंदी कुछ अरसा मजीद जारी रहेगी वेम्बरिया अफंदी। यानी फुआत अफंदी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया? मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही कुछ करेंगे मेरे सुल्तान। आप देखिएगा कि वो जल्द ही जाकर आपका मंसूबा बता देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता वेम्बरिया अफंदी, उन्हें बताने दें, वो अपना ही नुकसान करेंगे। आ जाए। मेरे सुल्तान, फुआत अफंदी सिफारत खाने गए हैं। मेरे सुल्तान, हमें उन्हें रोकना चाहिए। अगर उन्होंने जाकर वहां सब कुछ बता दिया तो आपका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। हमारा कोई भी मंसूबा कभी नाकाम नहीं होता। हमारा असल मंसूबा कुछ और है। हर शय आश्कार हो जाएगी, बेफिक्र रहें। हमारे साथ आइए वेम्बरिया अफंदी। शहजादे, आज के अखबार में एक बुरी खबर शाया हुई है। तुम यहां क्या कर रहे हो? अब तुम महल तक पहुंच गए हो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा पीछा छोड़ दो। मुहाफिजों, इसे यहां से निकाल दीजिए। कल इसने मुझे अगवा करने की कोशिश की थी और आज ये महल तक पहुंच गया है। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इसे निकाल दीजिए। ये लीजिए चाचा, आपकी तस्बीह। ये आप सुल्तान के कमरे में भूल आए थे। शुक्रिया भतीजे। तुम सुल्तान से मिले थे?
तुमने आखिर हमारे सुल्तान से बात क्या की, बताना। तुम्हारा हाथ मांगा। ये औरत कौन है? ये ज़ैनब है चाचा। आप पागल हो गई हैं क्या? हाँ, ज़हनी तवाज़ुन खो गया है क्या आपका? आप हमारी इज्जत खाक में मिलाना चाहती हैं क्या? आपको हमारी कोई परवाह नहीं है, हमारे खानदान की इज्जत और सुल्तान का सोचा होता। आपकी नजर में सुल्तान मोहसम की भी कोई इज्जत नहीं है, सही कहा ना मैंने? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, लेकिन इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सहाफियों से कोई बात नहीं की। तो अखबार में आपका नाम क्यों छपा है मिस्ली मलिक? हमें नहीं मालूम। मैंने कहा था ये बात भूल जाइए, आपको अपनी जौजा का ख्याल रखना चाहिए था, नजर रखनी चाहिए थी। शुक्र है कि बाबा के जासूसों ने यह खबर सुबह ही देख ली थी और तकसीम होने से रोक लिया था। अगर यह अखबार बाबा तक पहुंच जाता तो वो मर ही जाते। सुल्ताने मौसम को नहीं बल्कि हंदान खातून को मर जाना चाहिए, वो इतनी आसानी से नहीं बच सकती। हमारी बहन की कातिल है वो। बस कीजिए मिस्ली मलिक, बस कीजिए। अगर ये सच है कि आपकी बहन की मौत में हंदान का हाथ है, उसे मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। अब इस बारे में बात नहीं होगी। हमने सहाफियों से कोई बात नहीं की, भरोसा करें हम पर। हमने आपसे कल भी कहा था, हम किसी ऐसे शख्स पर भरोसा नहीं करते जिसे हम ना जानते हों। इस लिफाफे में तुम्हारे भाई के कातिल का पता मौजूद है, चाहो तो इसे अपने भाई के साथ ही दफन कर दो या फिर खोल के देख लो। माली घर आ गया। बहुत खूब, हमें पैगाम भेजना होगा। उन्होंने यामाली को वैसे ही घर नहीं भेजा, उसके घर पर काफी लोगों की नजर होगी। यामाली जानता है कि उसका बेटा किसके पास है? हाँ वो जानता है। क्या तुम किसी के नजरों में आए बगैर यह पैगाम यमाली तक पहुंचा सकती हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। अपना चेहरा मत छुपा उस्मान, इस तरह लोग तुम पे शक करेंगे। खोलो इसे बेटा, खोलो। कुछ पूछना है आपसे। बोलो। ये पादरियों वाला लिबास पहना हुआ है मैंने, गुना तो नहीं मिलेगा? इमाम वाला हुलिया बनाने से क्या मुझे सवाब मिल रहा होगा उस्मान?
ये क्या है गारो, कैसी बदतमीजी है? तुम उस शख्स से किस तमीज की उम्मीद कर सकते हो जिसका भाई मर गया हो या माली? एक कमजरफ आया और उसने हमें ये लिफाफा दिया। इसमें ये लिखा है कि तुम मेरे भाई के कातिल को जानते हो। ताजियत के लिए मैं नहीं आ सका गारो, मुझे माफ करना। सरगो पसंद था मुझे, वो एक अच्छा दोस्त था। बकवास बंद करो ये माली। इत्मीनान रखो गारो, मैं जो जानता हूं तुम्हें बताऊंगा। सैम्यूल नामी एक आदमी है, वो पाये तख्त काम के सिलसिले में आया है। वो पाये तख्त में किससे काम मांगेगा? जाहिर है कि पाये तख्त के मालिकों से। उसने ऐसा ही किया। सरगो निशानियान और डोरियान से मुलाकात की उसने। मुझे वो बात बताओ जो मुझे पता ना हो, वरना तकलीफ में आ जाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक ये बात मालूम नहीं कि चाचा पाये तख्त आ चुका है। खलील खालिद? हाँ बिल्कुल, खलील खालिद ने उस सैम्यूल के बारे में सुना। वो जानता है कि सैम्यूल यहाँ क्यों आया है। उसने कहा है कि जो भी सैम्यूल से मिलेगा मैं उसे मार डालूंगा। चाचा को सब जानते हैं, जो कह देता है वो उसे जरूर पूरा करता है। तुम अपने भाई को दफना करा रहे हो, लगता है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया। तुम्हें जवाब मिल गया गारो, अब बेहतर यही है कि तुम यहां से खामोशी के साथ चले जाओ। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा मेरे मालिक, गुस्से को काबू करने में मेरी मदद फरमा, वरना कहीं ये दुकान मेरे हाथ से ना चली जाए। चाचा खुशामदीद। शुक्रिया भतीजे, शुक्रिया। अगर तुमने फिर से कोई गड़बड़ की तो अपने काम से हाथ धो बैठोगे। क्या बताऊं चाचा, बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा इस काम में। लोग 15 दिन में एक बार आते हैं मेरे पास। तो और क्या करे, आखिरकार वो तुम्हारे आगे अपना सर झुकाते हैं। अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा आ गया और तुम्हारा उस तरह उसके गले पर फिर गया तो तुम कातिल बन जाओगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने चाचा, इसीलिए तो अपने गुस्से को काबू में रखता हूँ मैं। तो अब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया तो मैं अब बैठ सकता हूँ? बैठिए चाचा। चाचा आप चले कहां गए थे, हमने आपको बहुत याद किया। मिस्र। मिस्र गए थे, कैसी है वो जगह? हर जगह रेत है। क्या हुआ सबाहतीन, कुछ पता चला आपको? जी वालिदा। बताइए हमें, हमसे कोई बात छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। वालिदा, हमने आपके कहने पर बाबा का ताकुब किया और। और क्या? वो सबसे कह रहे हैं कि वो इतना बड़ा काम करेंगे कि सब हैरान रह जाएंगे। क्या मतलब सब हैरान रह जाएंगे, क्या करने वाले हैं वो? बात सिर्फ यही नहीं है। तो और क्या बात है सबाहतीन, साफ साफ बताइए हमें। बाबा मामू के सामने पेश हुए और उनसे इजाजत मांगी। किस काम की इजाजत? या मेरे अल्लाह रहम। तो क्या भाई ने इजाजत दे दी उन्हें? जी वालिदा। एक जहाज में यूरोप से एक खास मेहमान पाए तख्त आ रहा है और बाबा उसे यहां महल लाएंगे। मेरी सुल्ताना। सुल्फत, नायमे कहाँ है आपको पता है? वो शेमनास के कमरे में गई थी। ठीक है।
नाइमे, आप क्या कर रही हैं दुख्तर? राहदारी तक आवाज आ रही है। ये कोई बुरी आवाज तो नहीं है, मौसिकी ही तो है। हमने ये कब कहा कि बुरी आवाज है? लेकिन ये आप खुद सुनिए, हर किसी को सुनाने की क्या जरूरत है? आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि आपके बाबा कितने मसरूफ हैं आजकल। मेहमत सलीम और अब्दुल कादिर भी बुरे हालात से गुजर रहे हैं, मिसली मलिक भी सदमे में है। हमारा मतलब है कि वो परेशान होंगी। चलिए दुख्तर, बाग में चलते हैं। हम शिवनाश का इंतजार कर रहे हैं। नाइमे, हमने आपसे कहा था कि हमें शिवनाश से आपकी दोस्ती अच्छी नहीं लगती, याद है ना आपको? वो किसी काम से गई हैं। ऐसे शुक्रिया कहे बगैर चले जाना बदतहजीबी होगी। हो सकता है आप उनके बारे में गलत हों। अगर आप उन्हें एक मौका दे दो, आप जान जाएंगी कि वो कितनी अच्छी और समझदार हैं, और वो बहुत हसास भी हैं। ये आपको कैसे पता? आपको याद है जब उस दिन मैंने उनका बक्सा गिरा दिया था तो उनका सामान कुछ टूट भी गया था। जरूर वो सामान भी कीमती होगा। लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि कुछ भी नहीं टूटा था। नाइमे दुख्तर, उसे हाथ मत लगाइए। किसी और के सामान को बगैर इजाजत नहीं देख सकती। उन्होंने ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई थी ताकि हम परेशान ना हो, लेकिन हम इसे देखना चाहते हैं। नाइमे दुख्तर, इसे वापस रख दे, ये गलत है। देखिए, ये तो हमारा वही जेवर है जो हमने खो दिया था। लेकिन ये यहाँ कैसे? ये सच हमें शिवनाश ही बता सकती है। आपने अब तक किसी से टेलीफोन पर रब्ता कायम किया? नहीं, लेकिन आज बर्तानिया में एक अहम टेलीग्राम भेजूंगा। इस टेलीफोन से सबका काम आसान हो जाएगा। अच्छा हुआ कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने इजाजत दे दी। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। वेम्बरी अफंदी, आप सोच रहे थे कि हम सिफारत खानों की टेलीफोन लाइन के साथ एक और तार लगाकर उनकी बातें सुनेंगे। सफीरों के बीच जो बात भी टेलीफोन पर होगी वो आप बासानी सुन पाएंगे मेरे सुल्तान। हम उनकी बातें तो सुनेंगे, लेकिन उनका टेलीफोन इस्तेमाल करना जरूरी नहीं। कैसे? हमने उनकी बातें सुनने के लिए टेलीफोन का निजाम बदल दिया। अब हम उनके कमरे में होने वाली हर बात सुन सकते हैं। मालूम हो ही जाएगा कि गद्दार आप हैं या फुआत अफंदी। ये तुम लोग हो? तुम कहां तक भागोगे यमाली? यकीन करो, मैं तो सिर्फ रोटी लेने जा रहा था। अगर यही बात है तो फिर अब तुम्हें हमारी इजाजत के बगैर कोई रोटी भी नहीं देगा यमाली। तो बताओ मुझे,
कारो तुमसे मिलने क्यों आया था? किसी ने उसे बताया कि उसके भाई को चाचा ने कत्ल किया है। जब तुमने मुझे छोड़ा तो वो मेरे घर आ गया। उसका ख्याल है कि मैं चाचा से मिला हुआ हूँ, इसलिए उसने मुझे छोड़ा था। तुमने क्या कहा? मैंने वही कहा जो जानता हूँ, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि उसके भाई को चाचा नहीं मारा, उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो फिर उसने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? क्योंकि वो खुद इसके साथ मिला हुआ है। कसम से ऐसा नहीं है। सब जानते हैं कि चाचा मुझ जैसे शख्स को चारा कभी नहीं बनाएगा। सुनो मेरी बात, तुम अभी घर वापस जाओगे और दोबारा कभी भी रोटी लेने के लिए नहीं निकलोगे, समझ गए? चलो अब दफा हो जाओ। तो क्या हम उसका पीछा नहीं करेंगे? वो जहन्नुम में भी चला जाए तो हम उसे बासानी ढूंढ लेंगे। गारो चाचा की तलाश में है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो अकेले हुए तो क्या होगा उस्मान? सोचा है क्या होगा? लीजिए, हो गया चाचा। शुक्रिया भतीजे। चलिए मैं आपकी थोड़ी सी मालिश कर देता हूं। मिस्र में मुझ जैसा हजाम नहीं मिला होगा आपको। ये कौन लोग हैं बाहर? ये किसे घूर रहे हैं? ये आपको घूर रहे हैं चाचा। चाचा, इससे पहले कि वो अंदर आ जाए, आप बाहर जाकर अपना काम खत्म कर लें, कहीं मेरी दुकान ना बर्बाद हो जाए। चाचा खुशामदीद। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। कभी वक्त मिले तो आइएगा, कहवा पिलाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सुनो लोगो, चाचा वापस आ गए हैं। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? कहो। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें अपना तारुफ कराने आया हूं। तुम्हें चाचा बुलाया जाता है, मुझे गारो कहते हैं। मेरी कहानी एक छोटे से घर से शुरू हुई और आज मेरे नाम से पायतख्त में हर शख्स वाकिफ है, लेकिन शायद तुम मुझसे ना वाकिफ हो। बस बहुत हुआ, बहुत हुआ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरी पिस्तौल की बात सुन लो। सुल्तान अब्दुल हमीद को ये बात बहुत बुरी लगी कि मैंने आपको अपने घर बुलाया। वो हक पर है, ये रियासत के खिलाफ है। वक्त के साथ सीख जाऊंगा मैं। आइंदा मैं या तो आपको मुलाकात के लिए महल बुलवाऊंगा या फिर आपसे यहां आकर मिलूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप यहां क्यों आए हैं? कोई बात करनी है? मैं यहां आपको एक अहम बात बताने आया हूं। वो कह रहे हैं कि एक आम बात बताएंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने टेलीफोन इस्तेमाल करने की इजाजत किसी खास वजह से दी है। किस वजह से दी है? मेरे सुल्तान, आपको ये बात सुननी चाहिए।
तुम कामयाब हो गए हो फौत। अब्दुल हमीद इस मामले में सिर्फ तुम पर भरोसा करेगा, बस अपनी हद फरामोश मत करना। हम पूछने आए थे, ये जेवर आपके कमरे में कैसे आया? मेहमान को लेकर आइए। लाओ बेटा लाओ। रियासत से वफादारी का जब भी सबूत देंगे आपको उसका सिला जरूर मिलेगा। अब यकीन कीजिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही ऐसा सोच सकते हैं शहजादे, ये सब एक साजिश है।